नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज मैं आप सभी को संकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि आज है संकट चौथ। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैं संकट चौथ है तो मैंने कथा वगैरह की है, तो इसलिए आज थोड़ा सा ऐसे वर्क वाला सूट और मैंने पहना हुआ है। संकट चौथ जिनको सब लोग ही करते हैं, पर जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ। संकट चौथ बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों को कोई बीमारी ना हो, बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उन पे कोई बलाएं ना आए, उनके लिए किया जाता है। तो आज मेरा संकट चौथ का व्रत है, तो ज़्यादा कुछ काम था नहीं तो सोचा आज वीडियो ही बना लूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये जानकारी बहुत पसंद आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम लोग ट्रिप पे गए थे पौंडीचेरी, तो वहाँ से मैं एक जो है एक प्रोडक्ट लेके आई थी जिसको मैंने बताया था ड्रीम कैचर। तो आज मेरा जो वीडियो है उसी ड्रीम कैचर के बारे में है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ड्रीम कैचर क्या होता है, इसके लगाने से क्या फ़ायदे हैं, इसको कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, इसको लगाने से क्या होता है और ये कैसे फेमस हुआ, किस तरह से ये हमारे इंडिया में आया, इसका कल्चर क्या है, फेंग शुई में इसका क्या महत्व है, ये सब आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी। और इससे जो होने वाले जो चमत्कार हैं या इससे होने वाले जो थिंग्स हैं वो भी बताऊंगी कि इसको लगाने से क्या क्या हमारे लाइफ में परिवर्तन होता है, तो वो सब मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। तो बिना देरी के शुरू कर आज का वीडियो ड्रीम कैचर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैस क्या होता है ड्रीम कैचर। तो देख सकते हैं आप, ये है ड्रीम कैचर, ये एक हैंगिंग आइटम होता है, यानी इसको इस तरीके से आप कहीं भी टांग सकते हैं। तो ये इस तरीके से हैंगिंग आइटम होता है, ये अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग पैटर्न, मतलब कि होता इसी टाइप का है, पर किसी में जैसे ये इसमें कितनी सारी रिंग्स है, ऐसे रिंग दी होती है, किसी में दो रिंग्स होती है, किसी में चार, किसी में पांच और किसी में बहुत बड़ी, ये जो ऊपर वाली रिंग होती है वो बहुत बड़ी होती है। ये अलग अलग पैटर्न में जैसे बनता है, जैसे ये थ्रेड से बना हुआ है ऐसे, मतलब कि हाथ से, वैसे क्रोशिये से भी बनते हैं, क्रोशिये से बुन के जो बनाते हैं वो भी ड्रीम कैचर बनते हैं। ये काफ़ी कलरफुल होता है, इस पे ये फैदर लगे होते हैं, कोई खाली ऐसे एक सिंगल कलर का हो सकता है, कलरफुल होते हैं, सिंगल कलर में भी मिलते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिज़ाइन में आते हैं, रिंग्स अलग अलग होती हैं, किसी में पांच, किसी में सात, किसी में चार, किसी में दो, इस तरीके से, या किसी में खाली एक सिंगल बड़ी सी रिंग होती है, बाकी सारा फैदर होता है, या टैशल होते हैं जो क्रोशिये से बुने होते हैं उनमें टैशल डले होते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ होता है, ये काफ़ी खूबसूरत होता है दिखने में। क्यों? क्योंकि ये कलरफुल होता है और अलग सा एक इसका लुक होता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है घर पे, सजावट के तौर पे ये काफ़ी अच्छा है। मैंने ये दो लिए थे, एक बेडरूम के लिए और एक मैंने लिया था कार के लिए। कार के लिए देख सकते हैं आप अलग पैटर्न, जैसा कि इसमें खूब सारी रिंग्स है। कार के लिए हमने लिया था ये छोटू सा, जिसके अंदर सिर्फ एक रिंग है, बाकी इसमें बीड्स और फैदर डले हुए हैं, और ये मल्टी कलर है, और ये जो है ब्लू और ग्रीन कलर का है, देख सकते हैं आप। तो ये होते हैं सबसे पहले कि ये होते हैं ड्रीम कैचर। अब ये काम क्या करता है, ये हमारे बुरे सपनों को, जो सपने आते हैं बुरे सपने, चाहे वो आपको आए या आपके बच्चों को आए, उन सपनों को रोकने का काम करता है। तो ये जो कल्चर आया है वो नेटिव अमेरिका की तरफ से आया है, अमेरिकन लोग इसको लगाते थे अपने घरों में कि ताकि वो अपने बच्चों को बुरे सपनों से, बुरी नज़र से, बुरी बलाओं से, और जो टोने टोटके टाइप से होते हैं उन सब से बचाने के लिए, जो अमेरिकन लोग थे वो अपने बच्चों को बचाने के लिए इसका प्रयोग जो है घर में करते थे, अपने घर में इसको लगाते थे। जैसा कि हम इंडिया में बंदरमार लगाते हैं, हम तोरण लगाते हैं जिसको हम शुभ मानते हैं, ऐसे ही वो लोग इसको शुभ मानते थे अमेरिकन जो थे। तो फेंग शुई में इसका काफ़ी महत्व है, और इंडिया में इसको ये जो है कि हम लोग कोई चीज़ अगर देखते हैं तो ये काफ़ी प्रचलन में आ चुकी है, क्योंकि आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस तरीके से ये प्रचलन में आया।
और इंडिया में भी ये काफ़ी फेमस हो गया है। बहुत से लोग अपने घर में इसको एज ए सजावट के तौर पे इसको लगाते हैं, बट कुछ लोगों को इसका महत्व के बारे में नहीं पता कि फेंग शुई में एक्चुअल में ये क्यों लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, और ये हमारे घर के लिए किस तरीके से ये बेनिफिशियल है, किस तरह से ये हमें लाभ पहुंचाता है। तो मैंने भी जब इसको देखा तो मुझे ये लेना था, फिर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया कि ये क्यों लिया जाता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो वो सब सोच के फिर मैं इसको लेके आई, और वही चीज़ मैं आज आपसे शेयर करूंगी अपने इस वीडियो में। तो फेंग शुई में जैसा कि बताया कि इसका बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। फेंग शुई के लोग हैं यानी वास्तु के अनुसार, जैसे हम वास्तु के अनुसार हमारे घर का स्ट्रक्चर या कोई भी चीज़ करते हैं, ऐसा ही फेंग शुई का जो वास्तु है उसके अनुसार इस ड्रीम कैचर का बहुत ज़्यादा महत्व है। फेंग शुई के अनुसार इसे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये आपके बुरे सपनों को रोकने का काम करता है, यानी बुरे सपनों को दूर करता है ये आपका ड्रीम कैचर। और ड्रीम कैचर को आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, आप इसको बेडरूम में लगा सकते हैं, बरामदे में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, आप अपने कार में लगा सकते हैं, जहां भी आप चाहें वहां लगा सकते हैं, बट इसको हमेशा दीवार के सहारे पर ही लगाना। बच्चों को ये बुरी नजर से तो बचाता ही है, हमारे घर के बाहर भी अगर हम इसे लगाते हैं तो ये घर में के बाहर जो भी नेगेटिविटी होती है उनको नष्ट कर देता है और पॉजिटिव वाइब को हमारे घर के अंदर प्रवेश करवाता है। और अगर आपने इसको बेडरूम में लगाया है तो बेडरूम में लगाने से क्या होएगा कि आपके बुरे ड्रीम्स तो खत्म होंगे ही, साथ में न्यू जो ड्रीम्स है या न्यू जो वाइब्स है वो आएगी बेडरूम में और आपके माइंड में यानी आपके मस्तिष्क में चली जाएगी। तो इससे आपको काफी अच्छा लगेगा। बहुत से लोग इसको ध्यान एकाग्र करने के लिए, यानी कि अगर आपके ध्यान लगाना चाहते हैं तो आप इस ड्रीम कैचर को अपने सामने रख के आप ध्यान लगा सकते हैं, यानी कि आप कंसंट्रेट पावर जो है आपकी स्ट्रांग करने में भी ये काफी मदद करता है। आप इसको देख के ध्यान लगाएंगे तो जो है इससे आपकी जो है पॉजिटिव वाइव्स अंदर जाएगी, नेगेटिव वाइव बाहर निकलेगी और आप एकाग्र चित्त होके ध्यान लगा सकते हैं। तो ध्यान लगाने में भी काफी मदद करता है ये आपका ड्रीम कैचर। तो ड्रीम कैचर से आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। फेंग शुई के अनुसार ये आपके बच्चों को बुरी नजर से बचाता है, साथ ही आपके घर में पॉजिटिविटी भी लाता है। अब बात करते हैं कि इसको कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो ड्रीम कैचर को आप हमेशा वहां लगाएं जहां पे वो दीवार के सहारे यानी कि इस तरीके से अटैच हो जाए, मतलब दीवार पे लग जाए। ऐसा नहीं कि आपने दरवाजे के बीच में लगा दिया हो, यानी मेन गेट के बीच में लगा दिया हो कि बाहर जाने का रास्ता और आने का रास्ता, और आपने इस तरीके से बीच में लगा दिया हो और नीचे से आप इसके गुजर रहे हैं। तो ड्रीम कैचर के नीचे से कभी भी नहीं गुजरना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जितनी भी जो नेगेटिविटी होती है वो फिर जो भी व्यक्ति नीचे से गुजरता है उसमें चली जाती है या नेगेटिविटी उसमें आ जाती है। तो ड्रीम कैचर के नीचे से कभी नहीं गुजरना चाहिए, यानी कि ड्रीम कैचर को आपको ऐसी जगह नहीं लगाना जहां पे कोई व्यक्ति या लोग आ रहे जा रहे हों, नीचे से गुजर रहे हों, ऐसी जगह नहीं लगाना है। ड्रीम कैचर को सदैव आपको दीवार के सहारे पर या खिड़की के सहारे लगाना। अगर आप गैलरी में लगाया है तो दीवार के सहारे, बरामदे में लगाया है तो दीवार के सहारे, गार्डन में भी लगा सकते हैं आप। और अगर आपने बेडरूम में लगाया है तो बेडरूम में आपको खिड़की के सहारे यानी खिड़की के ऊपर आपको लगाना है। और ये भी ध्यान रखें कि जहां आपने खिड़की के ऊपर लगाया है वहां से जो आपका बेड है वो थोड़ा दूर होना चाहिए, एकदम उस ड्रीम कैचर के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्रीम कैचर के नीचे से गुजरना शुभ नहीं माना जाता है फेंग शुई के अनुसार। तो ड्रीम कैचर हमेशा दीवार से सटे हुए होना चाहिए। गार्डन में भी आप ऐसी जगह लगाएं ताकि वहां से आपका गुजरना ना हो या किसी और व्यक्ति का गुजरना ना हो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इससे आर्थिक तंगी आ सकती है। घर के दरवाजे के ऊपर आप टांग सकते हैं, यानी दरवाजा ये है और दरवाजे पे आप इसको इस तरीके से टांग सकते हैं, पर दरवाजे के बीचों बीच यानी कि जो आपके अंदर का साइड है और बाहर का साइड है और आपने बीचों बीच ऊपर चौखट पे अगर टांग दिया है और आप इसके नीचे से गुजर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वहां नहीं टांगना चाहिए। बेशक आप दरवाजे के ऊपर मतलब दरवाजे पर लगा सकते हैं, दरवाजे के ऊपर नहीं, क्योंकि आप अगर उसके नीचे से गुजरेंगे तो आपके घर में आर्थिक तंगी आ सकती है, बीमारियां आ सकती है, जो चीज वो नेगेटिविटी रोक रहा है वो सब आपके अंदर जो व्यक्ति नीचे से गुजर रहा है उसके अंदर आ सकती है।
तो ये हमेशा किसी चीज से सटे हुए लगाना चाहिए, इस तरीके से एकदम ही उसके नीचे कोई भी व्यक्ति ना गुजरे ऐसी जगह आपको ड्रीम कैचर नहीं लगाना चाहिए। घर के दरवाजे पे लगाने से आपकी सुख समृद्धि आती है, आपकी जो आर्थिक तंगी है वो खत्म होती है, आपके जो रुके हुए काम है वो भी ड्रीम कैचर से जो है ठीक हो जाते हैं, रुके हुए काम बिगड़े हुए काम जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी नेगेटिविटी को होल्ड करके उनको डिसॉल्व करता है और अच्छी वाइब्स यानी कि गुड यानी पॉजिटिविटी आपको प्रोवाइड करवाता है। मेन गेट पे लगाने से बुरी नज़र से ये आपको बचाता है, और आपको ऐसी जगह भी नहीं लगानी है जहां आप बैठते हों और जस्ट आपके ऊपर ड्रीम कैचर लगा हो, तो उसके नीचे ना तो बैठना चाहिए ना आपको गुजरना चाहिए ड्रीम कैचर को। अगर आप कार में भी लगा रहे हैं तो कार में भी आपको जो आपके डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर एक मिरर सा रहता है, वहां पे आप टांगे ताकि वो अलग रहे, क्योंकि आप सीट पीछे होती है, तो कार में भी आपको इसी तरीके से टांगना है कि वो आपके ऊपर की तरफ ना आए। ड्रीम कैचर बुरे सपनों को आने से रोकता है। अब बात करते हैं ड्रीम कैचर को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। तो अगर आप इसको बेडरूम में लगा रहे हैं तो बेडरूम में आपको, या घर के कहीं भी कोने में आप लगा रहे हैं, तो इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम बताई गई। बेडरूम में से खिड़की के सहारे साउथ वेस्ट में इसको लगाना चाहिए। ड्रीम कैचर काम कैसे करता है? ड्रीम कैचर अगर आप रात को सोए हैं और आपने कोई ऐसा डरावना सपना देख लिया है और आप एकदम से उठ गए हैं उस सपने को देख के और फिर आपको नींद नहीं आ रही है, तो ऐसे जो डरावने सपने आते हैं उनको वो अपने जो है ड्रीम कैचर वो पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, और आपको वो बुरे सपने फिर नहीं आते हैं। बुरे सपने चाहे आपको आए चाहे बच्चों को आए, क्योंकि बहुत बार ये होता है बच्चों को भी बहुत जो होते हैं ड्रीम ऐसे आ जाते हैं कि वो एकदम से डर जाते हैं। भूवी को अभी, मेरे को ड्रीम कैचर का इतना नहीं ध्यान में था, तो भूवी को अभी पिछले ईयर काफ़ी ये सपने में उठ जाती थी, बैठ के कभी रोने लग जाती थी, कभी जोर जोर से चिल्लाने लग जाती थी, क्योंकि बच्चे हैं, कभी कोई घोस्ट की स्टोरी देख ली है या फिर दिन भर में कोई ऐसी चीज़ उसने देख ली है या कोई ऐसी स्टोरी सुन ली है, तो उस वजह से वो उसको रात को ड्रीम में दिखता था या क्या, तो बहुत बार चिल्ला के वो उठ गई थी। तो मेरे को भी डर लगता था कि क्या हो रहा है। मैंने उस हमारे बेड के नीचे फिर चाकू भी रखा, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते तब भी वो चमकते हैं नींद के अंदर। जिनके न्यू बॉर्न बेबी है उनको पता होगा कि बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी नींद में बहुत चमकते हैं, तब भी मैंने अपने बेड के नीचे चाकू रखा था कि उसको इस तरीके से ना चमके। अब वो बड़ी हो गई है तो सोचा कुछ ऐसा हो कि उसको ना डर लगे, तो काफ़ी टाइम रात को बहुत गहरी नींद में होगी, जोर जोर से चिल्लाने लग जाएगी, मम्मा मम्मा करके रोने लग जाएगी। तो फिर मुझे इसका ध्यान में आया कि हाँ, ड्रीम कैचर करके मैंने कहीं सुना था, किसी सीरियल में ही सुना था, बट इतना मेरे को उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ना शुरू किया और फिर मेरे को पता लगा कि ये किस तरीके से काम करता है और वो किस तरीके से हमारे सपनों को, जो बुरे सपने होते हैं उनको किस तरीके से वो ख़त्म करता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ड्रीम कैचर किस तरीके से आपके बुरे सपनों को ख़त्म करता है, नष्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा सा गोला है, रिंग्स जितनी भी हैं आप देख सकते हैं, इनमें सब में एक जाल बना हुआ है, वेब बना हुआ है। तो ये क्या करता है ड्रीम कैचर, ये जो बुरे सपने जो होते हैं वो अपने इस वेब में यानी इस जाल के अंदर इकट्ठा कर लेता है। रात को जो भी हमारे बैड ड्रीम्स होते हैं उन सब को अपने इस जाल में जो है इकट्ठा कर लेता है, और जैसे ही मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, तब वो सारे जो बुरे सपने होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होके गुड ड्रीम्स में वो परिवर्तित हो जाते हैं और सेंटर पॉइंट के अंदर गुड ड्रीम्स जो हैं वो आ जाते हैं और फ्लोट होने लगते हैं, और फ्लोट होते होते वो इस तरीके से फैदर में आ जाते हैं, और फैदर में आके जहां हम सो रहे हैं, जहां पे हम सो रहे हैं वहां पे वो जो गुड ड्रीम्स है वो उसके थ्रू फ्लोट होते होते हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं, और मस्तिष्क में आने के बाद जो हमारे बैड ड्रीम्स होते हैं वो डिसॉल्व हो चुके होते हैं और गुड ड्रीम्स हमें ये करवा देता है, यानी कि गुड ड्रीम्स में वो परिवर्तित हो जाते हैं बैड ड्रीम्स।
तो ये जाल है वो आपके बैड ड्रीम्स को ट्रैप करता है, यानी कि उनको पकड़ लेता है। और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वो आपके बैड ड्रीम्स को डिसॉल्व करके यहाँ पे उनको गुड ड्रीम्स में परिवर्तित करता है और फैदर के थ्रू धीरे 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 आपके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यानी ये इसका ये इसी सीक्वेंस में या इसी में ऐसे इसी तरीके बनता है कि ऊपर रिग्स दी होती है, वो जाल दिया होता है उनको ट्रैप करने के लिए और फिर उनको डिसॉल्व करके आप तक पहुंचाने के लिए इस तरीके से फैदर दिया होता है, ताकि वो आपके बैड ड्रीम्स को परिवर्तित करके आपके गुड ड्रीम्स में डाल सके। तो इस तरीके से ये ड्रीम कैचर काम करता है। ये देखने में काफी खूबसूरत है, लोग इसको खाली डेकोरेशन के पर्पज से, सजावट के पर्पज से लाते हैं, बट सच में इसको अगर सही दिशा में, सही डायरेक्शन में लगाएं तो ये सच में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इस फैदर में हमारे गुड ड्रीम्स को जो है वो कलेक्ट कर लेता है और फिर जब हम सोते हैं रात को फिर से, तो वो हमारे माइंड में अच्छे अच्छे ड्रीम्स भर देता है, ताकि इससे हमें जो है बुरे ड्रीम्स नहीं आते। इसी तरह बच्चों में भी ये हेल्पफुल रहता है, बच्चों को भी ये बुरे ड्रीम्स को डिसॉल्व करके अच्छे ड्रीम्स में परिवर्तित कर देता है और बच्चे रात को चमकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। तो आप इसे बच्चों के बेडरूम में भी लगाएं, काफी आपको इससे मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने बेडरूम में खिड़की के ऊपर लगाया है, जो कि ये मेरी दक्षिण पश्चिम दिशा यानी साउथ वेस्ट दिशा है, और आप देख सकते हैं कि ये खिड़की के ऊपर लगाया है मैंने, और खिड़की और बेड के बीच में स्पेस है। आपको मैं ये स्पेस भी दिखा दूं, ये इस तरीके से स्पेस बना हुआ है, और फिर क्योंकि खिड़की से थोड़ा सा दूर है हमारा बेड, तो हम एकदम उसके नीचे नहीं सोएंगे। तो एग्जैक्ट ऐसी ही सिचुएशन या ऐसी ही दिशा जो है, या ऐसे ही आपको इस तरीके से ही दूरी रखनी है ड्रीम क्रिएचर की खिड़की से, और बेड की दूरी होनी चाहिए, एकदम वो आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये आपको एक वीडियो भी डाल दिया, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि खिड़की और बेड के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। तो ड्रीम कैचर इस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपने दरवाजे पे लगाया है तो आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी, वास्तु के अनुसार आर्थिक तंगी नहीं होगी, बीमारियां आपके घर में नहीं आएगी, और बच्चों को भी ये बुरी नजर से, जो बुरी नजर होती है या जादू टोना है, उन सबसे बचाएगी। तो ड्रीम कैचर के कितने काम हैं। सबसे अच्छी बात तो कि घर में अगर इसको लगाएं तो सजावट के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ही सुंदर लगते हैं ये घर पे लगे हुए, क्योंकि ये बने हुए इतने खूबसूरत तरीके से रंग बिरंगे होते हैं, तो सजावट के अनुसार तो ये अच्छे हैं ही। साथ में अगर आपने इसको बेडरूम में लगाया है तो आपके जो बुरे ड्रीम्स है, या बच्चे जो बुरे ड्रीम्स बच्चे देखते हैं, उनको बुरे ड्रीम्स से बचाता है। घर के मेन गेट के दरवाजे पे लगाया है तो जो भी बुरी नजर है या बीमारियां हैं, आर्थिक तंगी है, उन सबको रोकता है। घर के अंदर कहीं पे है तो आपकी जो नेगेटिविटी है, या आपके घर में पीस नहीं है, शांति नहीं है, तो घर के अंदर आपने लगाया है तो घर के अंदर आपकी शांति बनी रहेगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता रहेगा। तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, दिशा बस आप ध्यान रखें कि दक्षिण पश्चिम में ही इसे लगाना है। फिर चाहे वो आप गार्डन में लगाएं, बालकनी में लगाएं, बरामदे में लगाएं, बेडरूम में लगाएं, बच्चों के बेडरूम में लगाएं, या फिर मेन गेट पे लगाएं। तो मेन गेट पे तो जहां आपका मेन गेट होगा वहीं लगाना पड़ेगा, पर बाकी आप जहां कहीं भी लगाएं, बस ये ध्यान रखें कि आप वहां लगाएं जहां के इसके नीचे से आपको ना गुजरना पड़े, ना उसके नीचे बैठना पड़े। ये जो ड्रीम कैचर होते हैं वो हैंडमेड यानी हाथ से बनाए हुए होते हैं, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं हाथ से बने हुए हैं ये। तो ये काफी आपको ऑनलाइन या फिर नॉर्मल मार्केट में मिल सकते हैं। तो ऑनलाइन मैंने देखा था, अमेजोन पे अवेलेबल है, ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो आप अपने अनुसार, आपको जो जैसा पसंद हो, जैसा कलर पसंद हो, आप मंगवा सकते हैं। मेरे को कार के लिए ये कलरफुल अच्छा लग रहा था, पूवी की पसंद का है ये, तो हमने ये लिया था कि कलरफुल कार में अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके फैदर बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। और घर बेडरूम के लिए मैंने ये ब्लू और येलो कलर का लिया है ड्रीम कैचर, और काफी इसमें रिंग्स है, काफी लंबा है, हैंगिंग है, तो घर में लगावा भी ये सजावट के अनुसार भी बहुत ही अच्छा है।
तो आप भी ड्रीम कैचर ले सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन चाहे तो आप मार्केट में, अगर आपके मार्केट में कहीं पे अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो भी ड्रीम कैचर काफी अच्छा है गिफ्ट के रूप में। अगर किसी का बेबी हुआ है तो आप उसको दे सकते हैं ताकि वो उस बेबी के रूम में उसको लगा सके। आप इसको घर पर भी बना सकते हैं, तो घर पे भी ये आपको आसानी से बन जाएगा। तो अगर आप मार्केट से नहीं ला सकते क्योंकि ये हैंडमेड है, तो आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो जानकारी है ड्रीम कैचर के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि ये क्या फायदे देता है, इसको कैसे लगाना चाहिए, ये कैसे वर्क करता है, ये आपको सारी जानकारी कैसी लगी? और आपके पास भी अगर ड्रीम कैचर है तो आप भी मेरे को बताएं कि आपने उसे कहाँ लगा रखा है और आपको इससे कितना फायदा मिला है, तो ये भी मेरे को जरूर बताना। और मेरे दोनों ड्रीम कैचर में से आपको सबसे अच्छा वाला कौन सा लगा, ये वाला या ये वाला, आप बताना। और दोनों ही अच्छे लगे तो भी मेरे को कमेंट जरूर करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और अपने तक ही इस जानकारी को मत रखना, क्योंकि जैसे मेरे को नहीं पता था, ऐसे किसी और को अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि उसको ड्रीम कैचर का सही मायने में पता हो कि ड्रीम कैचर सिर्फ डेकोरेशन का या सजावट का ही सामान नहीं है, ये और भी बहुत कुछ महत्व रखता है। फेंगशुई के अनुसार इसका काफी महत्व है आपके वास्तु में। तो अपने तक इस जानकारी को ना रखें, इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि मैं जैसे ही ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। सभी को हैप्पी संकट चौथ और बाय फ्रेंड्स।